Hello kids, how are you all? In this video, we will learn A to Z how to write in a four line. So let's start our video. So, आज हम पढ़ेंगे capital X and small X. Capital X कैसे लिखते हैं, small X कैसे लिखते हैं. Okay, चलिए पहले देखते हैं capital X कैसे लिखना है. Okay, दोनों भी सेम है कैपिटल एंड स्मॉल, बस दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों में आपको स्टार्ट जो लिखने के जो लाइनिंग स्टार्ट करना है उसका ही डिफरेंस है. ओके, सो हमारा जो कैपिटल एक्स है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे, वो रेड लाइन से शुरू करेंगे. कहाँ से, रेड लाइन से. इसमें भी हमें स्लैंटिंग लाइन ही ड्रॉ करनी है. एक रेड लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन लाएंगे हम सेकेंड ब्लू लाइन तक. ओके, देन एक स्लैंटिंग लाइन लाएंगे अगेन उसके ऑपोजिट में रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक, ऐसे क्रॉस में लाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स. ओके, सी इसमें कॉम बच्चे ध्यान देना है, आपको क्रॉस में ले जाना है, दो स्लाइडिंग लाइन लाना है. ये दोनों भी लाइन आपका जो स्लाइडिंग लाइन है टच होना चाहिए, दोनों भी एट फर्स्ट ब्लू लाइन पर टच होना चाहिए कॉमन पॉइंट पर. ओके, कैसा किया मैंने, रेड लाइन से शुरू किया सेकेंड ब्लू लाइन पर लाया. ओके, फिर अगेन रेड लाइन से शुरू किया सेकेंड ब्लू लाइन पे लाया, बट उसका पॉइंट कहाँ टच हो रहा है, फर्स्ट ब्लू लाइन पे. आपको भी ये ध्यान देना है कि आपका ये जो क्रॉसिंग का पॉइंट है दोनों का टच होना चाहिए ये फर्स्ट ब्लू लाइन पे. ओके, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्स. अब स्मॉल एक्स कैसे लिखना है बच्चों, स्मॉल एक्स भी सेम है बट वो कहाँ लिखना है हमें, दोनों भी ब्लू लाइन के बीच में. कहाँ पर लिखेंगे हम, दोनों भी ब्लू लाइन के बीच में. एक फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट होगा सेकेंड ब्लू लाइन पे आके खत्म होगा. ओके, स्लैंटिंग लाइन, एंड एक फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन पे आके एक स्लैंटिंग लाइन खत्म होगा, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एक्स. इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं, बस इसमें आपको क्रॉस जाना है बच्चों. सी इसके लिए कैपिटल एक्स प्रैक्टिस कीजिए, कैपिटल एक्स प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको स्मॉल एक्स भी अच्छे से बनेगा. ओके, कैपिटल एक्स कहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन पे आएगा स्लैंटिंग लाइन, फिर फर्स्ट ब्लू लाइन सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में आएगा एक स्लाइडिंग लाइन क्रॉस में. ओके, एक आएगा राइट साइड पे, एक आएगा लेफ्ट साइड पे. ओके, लेफ्ट एंड एक राइट स्लाइडिंग लाइन. ओके, यहाँ पर साथ में लिखते हैं. अब यहाँ पर कैपिटल एक्स कहाँ से शुरू होगा, रेड लाइन से. रेड लाइन से हम एक स्लाइडिंग लाइन लाएंगे राइट साइड पर सेकेंड ब्लू लाइन तक, राइट साइड पर लाएंगे एक स्लाइडिंग लाइन. ओके, और फिर उसके बाद अगेन एक रेड लाइन से हम एक स्लैंटिंग लाइन लाएंगे लेफ्ट साइड पे सेकेंड ब्लू लाइन तक, रेड से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स. ओके, स्मॉल एक्स फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन राइट साइड पे जाएगा, फिर एक स्लैंटिंग लाइन फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक जाएगा एक लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एक्स. ओके बच्चों, सो आपको समझ में आया कैपिटल एक्स कैसे लिखना है, स्मॉल एक्स कैसे लिखना है. सो बच्चों नोटबुक में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके ओके, अब हम नोटबुक में लिखेंगे कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स. सो कैपिटल एक्स कहाँ से शुरू होगा, रेड लाइन से. कहाँ से, रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक आएगा एक राइट साइड पर स्लैंटिंग लाइन, फिर एक रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन आएगा लेफ्ट साइड पर, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स. अब स्मॉल एक्स फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन आएगा राइट साइड पे, देन फिर एक फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एक्स. ओके, अगेन रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन जाएगा राइट साइड पे. ओके, देन एक रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्स. स्मॉल एक्स फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन जाएगा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, एक स्लैंटिंग लाइन जाएगा फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एक्स. सो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स. तो अभी चलिए हम देखते हैं सेकेंड टाइम में. आपको मैंने बताया बच्चों कोई भी लेटर अगर आपको रेड लाइन से शुरू करना है, कोई भी लेटर आप शुरू करते हो रेड लाइन से, तो कौन से रेड लाइन से शुरू करोगे, ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन से. कहाँ से, ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे. तो कैपिटल एक्स हमें रेड लाइन से शुरू करना है, तो रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन राइट साइड, रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्स. स्मॉल एक्स
फर्स्ट ब्लू लाइन से, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन राइट साइड, देन एक लेफ्ट फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा स्मॉल एक्स। सो बच्चों कहाँ से शुरू करना है, अगर आपको कोई भी लेटर रेड लाइन से शुरू करनी होगी तो ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन से। तो कैसे होगा, रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन राइट साइड, रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड, कैपिटल एक्स। फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन राइट साइड, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड, तो ये हो गया हमारा स्मॉल एक्स। सो बच्चों आपको मैंने जैसा बताया है कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, आप वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी लिखने आ जाएगा कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स कैसे लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।